एचपीएस टीवी इंडिया के ब्यूरो चीफ भानु सिंह चंदेल व उनके भाई पर बीती 16 जुलाई की रात हुआ था जानलेवा हमला। वहीं इस घटना के 72 घंटे बाद भी माखी पुलिस ने खाना पूर्ति करते हुए चारों हमलावरों को पकड़कर 151 में भेजा था जेल। आपको बता दें कि धीरेन सिंह उर्फ अंशु, बबलू सिंह, नारायण सिंह व छोटू सिंह ने हमला किया था। वहीं हमलावरों के खिलाफ माखी पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई ना करते हुए सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया। जमानत पर छूटने के बाद हमलावर सोशल मीडिया पर फर्जी खबर बनाकर अपमानित कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स के जरिए बताया जा रहा है कि भानु सिंह चंदेल चैनल के अधिकृत पत्रकार नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि भानु सिंह चंदेल एचपीएस टीवी इंडिया के अधिकृत ब्यूरो चीफ है। सभी हमलावर लगातार मुकदमा वापस ना लेने पर पीड़ित पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसके कारण पीड़ित पत्रकार ने अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री व पुलिस कप्तान को पत्र भेज दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पत्रकार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे जा रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित पत्रकार व प्रेस क्लब ने पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। न्याय न मिलने पर पत्रकार व पत्रकार संघ आंदोलन करेंगे। वहीं पीड़ित पत्रकार की ये भी मांग है कि मुकदमा दर्ज करने के साथ ही प्रशासन उनकी सुरक्षा भी तय करे। कार्यालय, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था पूरा आपके साथ में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, 16 तारीख रात में मैं माखी थाने से करीब 1:30 बजे घर वापस जा रहा था। चकमकी चौराहे पे धीरेन सिंह उर्फ अंशु, बबलू सिंह का पिता और उनके चचेरा भाई नारायण और छोटे, इन लोगों ने हम पे जासूस गालियां देते हुए हमला किया क्योंकि नशे की हालत में उठे। उसके बाद में जब मैंने उसके मैंने सबसे पहले फ़ोन उनके पिता को मिलाया, बबलू सिंह को, तो वो जब से आए तो आदमी आता है तो कम से कम बात समझता जानता, लेकिन आकर के हमलावर हुए, हम पर हमला किया, मारपीट की, हमारे साथ में हमारा भाई मौजूद था और उसके साथ साथ में हमारे साथ में गले में सोने की चैन थी, थारा ग्रंग, उन्होंने वो भी खींच ली, कपड़े फटे। आपने लिखित में एप्लीकेशन दी थाने पर, क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल, 17 तारीख को मैंने थाने में लिखित एप्लीकेशन दिया। पुलिस ने बहुत ही दबाव के चलते वो मुश्किल में 392 का मुकदमा दर्ज किया, 3 5 4 5 6 392। उन्होंने कहा कि मुकदमा लूट लूट कटा दीजिए, बाकी जो बताओ हम लिख देंगे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मैं वही दिखाऊंगा, वही करूंगा। ना ही मैंने किसी तरह से गलत चीज़ का सहारा लिया, नहीं मैंने ये कहा कि लूट हमारे साथ पैसा ले लिया, हमारे साथ 5 लोग अज्ञात थे और 10 लोग नामजात थे, जो था वहाँ मैंने वही बताया। उसके बाद कार्यालय पहुंचे हैं, क्या आश्वासन मिला है? बिल्कुल, जैसे कि पुलिस ने क्या किया उसी मामले में 151 उनको कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया। उसके बाद में पुलिस अब वो लोग सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से फर्जी पोर्टल बनाकर के हमारी छिप खराब करने काम कर रहे हैं, उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं, दलाल बता रहे हैं। तो मैं तो प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि मुझे यह जाँच पूरी तरह जाँच चाहिए और ये साबित करें कि किस तरह से मैंने दलाली की, कहाँ पर किया, फर्जी पत्रकार हूँ तो कहाँ से हूँ, ये जाँच साबित करें। और आज मैं कप्तान से मिला हूँ और उनको मैंने ये शिकायत पत्र दिया है और मैंने सुरक्षा की मांग की क्योंकि मेरे जान का खतरा है लगातार बना हुआ। ऑलरेडी कई सब लोगों के माध्यम से हमको धमका रहे, डरा रहे हैं कि प्रशासन कप्तान का कहना है हम जाँच पहले करा चुके हैं, उसके बाद जाँच करा के कार्रवाई करते हैं, लेकिन हम इतना जो कर चाहूँगा अगर न्याय न मिला मुझे तो मैं कप्तान साहब के आवास के बाहर बैठकर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। यहाँ पे मैं न्याय मांगूंगा, मुझे न्याय चाहिए। मैं यही मांगता हूँ प्रशासन से कि मेरा गुनाह क्या है, मेरा गुनाह क्या, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं यही मानता हूँ बस। ब्यूरो रिपोर्ट, एचपीएस टीवी इंडिया।